एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीक्षिताज फन क्लब। सो टुडे वी आर मेकिंग अ उपटन। हम आज एक उपटन बना रहे हैं जो हम अपने फेस पर, अपनी पूरी बॉडी पे लगा सकते हैं और वो हमारे फेस को एंड हमारी बॉडी को मॉइस्चराइज करेगा, उसको ग्लोइंग बनाएगा। सो लेट्स डू इट, लेट्स मेक इट। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम डालेंगे एक प्लास्टिक का, मैंने यहाँ पे बोल ले लिया है, उसमें मैं डालूँगी टू फुल टेबल स्पून ऑफ राइस फ्लावर, चावल का आटा, ये दो चम्मच में डाल रही हूँ पूरा भर के। देन हम इसमें डालेंगे पूरा एक चम्मच बेसन, एक चम्मच मैं ये बेसन डाल देती हूँ इसके अंदर। एंड अब हम इसमें डालेंगे ये एक चम्मच मेरे पास है मुल्तानी मिट्टी क्रश्ड, ये डाल देंगे। मुल्तानी मिट्टी आपको पाउडर भी मिलता है मार्केट में अवेलेबल, एंड आपको ये नॉर्मल आप जैसे उसके सॉलिड में फॉर्म में भी मिलता है, आप उसे कूट कर भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा पिंच से थोड़ा सा ज़्यादा बेकिंग सोडा, ये देखिए मैं पिंच से थोड़ी सी ज़्यादा मैंने बेकिंग सोडा यहाँ पर ली है, ये हम डाल देंगे इसके अंदर। एंड अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को ड्राई इंग्रेडिएंट्स से अभी, ठीक है। ये अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं आपको बताती हूँ और क्या क्या अभी इसमें डलेगा। इसमें हम डालेंगे रोज़ वाटर, यहाँ पे मेरे पास डाबर गुलाबी का रोज़ वाटर है, ये मैं कम से कम हाफ टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे, आधा चम्मच से थोड़ा ज़्यादा, मतलब एक चम्मच के करीब ही हम इसमें रोज़ वाटर डाल देंगे। एंड हम डालेंगे ईवियन या फिर जो विटामिन ई की कैप्सूल्स मिलती हैं केमिस्ट में इजीली, वो हम एक डाल देंगे, ईवियन की एक कैप्सूल भी डाल देंगे इसके अंदर। ये जो हम उपटन बना रहे हैं, अगर आप ये आपकी एज 10 से अबव है तो आप इसे लगा सकते हैं, मतलब ईवियन की कैप्सूल जो है ना, अगर आप एक डाल रहे हैं इसका मतलब आपकी एज के अकॉर्डिंग है, दो भी अगर आप डाल सकते हैं अगर आपकी एज ज़्यादा है तो ये हम डाल सकते हैं, ये डाल देते हैं अच्छे से। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसमें जो है पानी नहीं डलता, बिल्कुल भी पानी नहीं डलेगा इसमें, हम इसको कर्ड से बनाएंगे इसका जो पेस्ट है, पानी नहीं डालेंगे बिल्कुल भी। अब इसको अच्छे से मिक्स करके मैं इसमें दो चम्मच पहले कर्ड डालूंगी अच्छे से भर के, उसके बाद हम मतलब इतना डालेंगे कि पेस्ट बन जाए। अभी मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, रोज़ वाटर से इसमें अच्छी खुशबू भी आ जाएगी। सो आप होममेड उपटन इसे अच्छे से बना सकते हैं। एंड आपको मैं बता देती हूँ इसे लगाना कैसे है। देखिए, ये उपटन अगर आप बनाएंगे तो उसके बाद आपको जैसे आप नहाते हैं उससे पहले सोप लगाकर जब आप उसे वॉश कर लेंगे उसके बाद ही उपटन अच्छे से आपको स्क्रब करना है अपनी बॉडी में। स्क्रब करने का भी एक तरीका होता है जो लेमन से हम स्क्रब करते हैं, मैं बाद में आपको वो भी बताऊँगी कैसे करते हैं, तो वो हमें करना है वैसे स्क्रब करना है। एंड उसके बाद उसे थोड़ा सा अच्छे से स्क्रब करके पूरी बॉडी पर वॉश कर लेना है। सो अच्छे से मिक्स हो गया, अब मैं इसमें कर्ड डालूंगी। सबसे पहले हम दो बड़े चम्मच इसमें कर्ड के डाल देते हैं, देन अकॉर्डिंग टू नीड हम इसमें डालते जाएंगे एंड इसका पेस्ट अच्छे से प्रिपेयर करते जाएंगे। ये देखिए, मैंने इसमें भी दो चम्मच कर्ड डाली थी, उसके बाद मैंने एक चम्मच और डाला, बट अभी ये काफ़ी ड्राई लग रहा है तो मैं इसमें एक चम्मच कर्ड और डाल दूंगी। पहले हम टू टेबल स्पून से ही स्टार्ट करेंगे कि वो कितना ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। सो अब ये देखिए कितने अच्छे से ये पेस्ट हमारा प्रिपेयर हो गया है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा पेस्ट प्रिपेयर हो गया है, ये देखिए। अब हमें इसमें डालनी है हल्दी, आधा चम्मच से थोड़ी ज़्यादा ही हल्दी डालेंगे हम, ये देखिए इतनी हल्दी मैं डाल दूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें अच्छा सा येलो कलर आ जाएगा अभी थोड़ी देर में मिक्स करके। अगर आपके पास कर्ड सपोज नहीं है तो आप कच्चा दूध भी इसमें डाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू नीड, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी दही ही सबसे ज़्यादा अच्छा है। और एक और चीज़, इसके बाद आप ऑयल ना लगाएं, ये भी मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि अगर आप ऑयल लगाते हैं नहाने के बाद तो इसको अप्लाई करने के बाद नहीं लगाएं। ये देखिए कितना अच्छे से इसका येलो कलर भी आ गया है एंड एकदम पेस्ट बन गया है, ये देखिए। सो नाउ आवर उपटन इज़ रेडी। इसको बनाने के बाद आप एकदम से नहाने चले जाएं एंड उसके बाद आप इसे अप्लाई कर लें अपने फेस पे एंड पूरी बॉडी पे। ये आपको बहुत ही ग्लोइंग स्किन देगा और एकदम सॉफ्ट कर देगा आपकी स्किन को, और मतलब कि आपकी स्किन रात तक एकदम सॉफ्ट रहती है एंड ये आपकी स्किन को पूरी तरह से रिफ्रेश कर देता है। और अभी गर्मियाँ भी आ रही हैं धीरे धीरे करके, समर्स भी आ रही हैं, तो आपको कुछ ना कुछ लगाना चाहिए जिससे आपकी स्किन एकदम ड्राई, मतलब कि एकदम
रिफ्रेश्ड रहे, इस तरह से आपको कुछ ना कुछ लगाना चाहिए। मैं आपको और भी चीज़ों की मतलब वीडियो में बताऊंगी कि आप और भी चीज़ क्या, और भी कौन सी चीज़ें लगा सकते हैं अपनी स्किन को अच्छा बनाने के लिए। ओके, सो होप यू लाइक दिस वीडियो। सो स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।